नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्रोत्साहन दीजिए। दोस्तों, रिसेंटली मैंने यूएसए का ट्रिप कवर किया और यूएसए का ट्रिप कवर करने के दौरान आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। ऐसी एक चीज़ जिसने मेरा बहुत अच्छा से हेल्प किया वो था एक यूएसए का ट्रैवल सिम कार्ड। तो अगर आप यूएसए जा रहे हैं तो आप कोशिश मैंने एक सही डिसीजन लिया कि मैंने अपने ट्रैवल ड्यूरेशन को देखते हुए एक ट्रैवल सिम कार्ड पहले से ही ले लिया, ताकि जब मैं यूएस बॉर्डर पर पहुंचा मेरे पास कनेक्टिविटी थी यूएस के लोकल सिम की। अगेन, कनाडा यूएसए में देखिए सेम कोड आईएसटी कोड चलता है, और बॉर्डर एरिया में कैनेडियन नेटवर्क भी आता है। जब तक मैं बॉर्डर एरिया के आसपास की विकिनिटी में था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से आगे बढ़ोगे आपका नेटवर्क वीक होते चला जाएगा और कुछ दूर बाद वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आपके पास लोकल कनेक्टिविटी है तो आपको बहुत कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। और मैंने देखा अपने प्रोवाइडर से कि भाई वहाँ बूस्टर पैकेजेस हैं, यूएसए के स्पेशल पैकेजेस हैं, बट उसमें भी मैं देखा कि पर MB का जो नॉर्मल रेट है या जो वो लोग ऑफर कर रहे हो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा कंपेयरिंग कि मेरा डेटा यूजेज कितना होता है एवरीडे। तो ऐसे में मैंने डिसाइड किया कि मैं एक लोकल सिम लूँगा। तो जब मैं सोचा कि लोकल सिम लूँगा, एक ऑप्शन था कि आप बॉर्डर पार करो, किसी दुकान में जाओ वहाँ से ख़रीदो, जो कि एब्सोल्युटली ओके है। दूसरा कि आप पहले से ही ऑर्डर कर लो। तो मैंने जब देखा अमेज़ॉन में कि पहले से भी आप ऑर्डर कर सकते हो तो मुझे ऑप्शन बहुत अच्छा लगा और रियली ये काफ़ी हेल्प किया। जब मैं बॉर्डर पर पहुँचा तो मेरा सिम ऑलरेडी एक्टिव था, वहाँ से इस यूएसए वाले सिम जिस फ़ोन में था उसे टिथरिंग ऑन करके अपना कनेक्ट करके सेलफोन मैं आगे की तरफ निकला, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और मैं ग्रुप में था और हमारे ग्रुप में जैसे गाड़ी में हम लोग जा रहे थे तो मैशअप लगाए थे, तो उसके लिए डेटा चाहिए था तो हमने ये यूज़ किया। और यूएसए में देखिए वाईफाई कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, किसी भी मॉल किसी भी होटल में आपको ये मिल जाती है और काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी रहती है, नो डाउट। लेकिन अगर आपके पास लोकल फ़ोन या सिम है तो इससे आपको एक तरह का कॉन्फिडेंस आता है। तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा हुआ रास्ता, और हर जगह मुझे कहीं भी डाउन ऑफलाइन मैप्स पर डिपेंड नहीं करना पड़ा। ये काफ़ी अच्छा काम किया मेरा। और साथ ही साथ दोस्तों, हर जगह जहाँ भी मैं गया इसका नेटवर्क कवरेज काफ़ी अच्छा आता था। तो जैसे कि मैंने ये अमेज़ॉन से परचेस किया, और ये जो स्टोर है सिम कॉर्नर, अगेन मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ बट उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। आइडियली ये कि आप इनफ टाइम दीजिए और उनके इंस्ट्रक्शंस पढ़ के कि आपको कब ऑर्डर करना है, कब एक्टिवेट है वो कीजिए, बट मैंने क्योंकि लास्ट मोमेंट में प्लान बनाया था, ये मेरी गलती है, इसमें ना स्टोर की प्रॉब्लम है ना अमेज़ॉन की प्रॉब्लम है। मुझे जस्ट 10 आवर्स बिफोर जब मैं ट्रैवल करने वाला था यूएस से तब ये सिम कार्ड मिला। मैं फटाफट इसका एक्टिवेशन स्टेप्स में गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था वो किया मैंने, उसके बाद मैंने उनको ईमेल किया इस स्टोर को कि भाई मेरे को 10 आवर्स में लैंड करना है यूएसए में, आप प्लीज़ मेरा सिम जल्दी एक्टिवेट कर दो। टू माय सरप्राइज, इवन लेट नाइट का टाइम था बट ये गाइस इमीडिएटली एक्शन में आ गए और मेरा सिम एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से मुझे कोई समस्या नहीं हुई। तो आई रियली अप्रिशिएट दीज गाइज। और अमेज़ॉन में मैंने देखा अदर पैकेजेस भी हैं, अदर स्टोर्स भी हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उनसे परचेस नहीं किया, बट ये लोग काफ़ी अच्छा किए। तो मैं इवन मेरे फ्यूचर ट्रिप्स में भी मैं हो सकता है इनसे सर्विस लूँ। तो वीडियो देखने के धन्यवाद दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।